योग का अपना एक महत्व होता है जीवन में। आज का दिन योग को समर्पित है, तो चलिए देखते हैं योग से जुड़ी हुई खास खबरें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पांचवें वर्ष में भी जगह जगह योग शिविर का आयोजन किया गया और इसी कड़ी में शिवनी मालवा के एक उत्कृष्ट विद्यालय में योग कार्यक्रम हुआ, जिसमें तहसील के समस्त विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की गई थी और उसी के बाद से हर वर्ष योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें शासन प्रशासन के समस्त आला अधिकारी एकत्रित होकर योग करते हैं। तो इसी तरह का नजारा शिवनी मालवा में भी नजर आया, विद्यालय में देखने को मिला, जहां अधिकारी लोग सुबह सुबह योग करते हुए नजर आए। चलिए इस बारे में जब जानकारी ली गई SDM रवि शंकर से, तो उन्होंने बताया कि योग किस तरह से फायदेमंद है और उसके करने से किस तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रसन्नता मिलती है। चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सर, आज के शिविर के बारे में बताएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सिवनी मालवा में भी योग का आयोजन कराया गया और ये मैसेज देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये विश्व में योग अपने लिए है कि हम अपने जीने का कला सिखाता है और हम स्वस्थ रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। तो ये सभी को, इसमें कोई ना धर्म जाति का इसमें बंधन है, सभी लोग करेंगे इसको तो खुद उसका अनुभव करेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो अच्छे ढंग से अपने कार्यों का निर्वहन कर सकते हैं। इसलिए आप सब मीडिया वाले भी इसमें सभी का आह्वान करें कि ये अपने लिए है, जब हम ठीक रहेंगे तभी हम कुछ अच्छा कर पाए। लगता है सर आपको इस प्रकार के प्रयास अगर ये साल में एक दिन ना करके अगर हर हफ्ते या रोज़ अगर किए जाए तो करना चाहिए? ये तो हम तो व्यक्तिगत रूप से प्रयास करता हूँ कि मैं कुछ थोड़ा बहुत कर लें और उसका अनुभव भी मेरे को है कि जिस दिन मैं नहीं कर पाता हूँ उस दिन का दिन ठीक नहीं रहता है। और आप भी शायद करते होंगे तो ये महसूस करेंगे कि उससे आपको अतिरिक्त कुछ ऊर्जा मिलेगी। तो ये सारे लोगों को करना चाहिए, विशेष करके युवा पीढ़ी को और आगे जाना चाहिए।